Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu, only at TAC TV. कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीका के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। ट्रूडो का पाइपलाइन मंसूबे को मंसूब करने के ऐलान पर मायूसी का इजहार। ओंटेरियो में 1,00,000 बच्चों की स्कूलों में वापसी। वजीर तालीम कहते हैं बच्चों की हिफाजत पहली तरजीह है, हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। ओंटेरियो में मुसलसल 7वें रोज कोरोना वायरस के 3,000 से कम केसेस रिपोर्ट। वजीर आजम का टोरंटो के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजने का ऐलान। छोटे कारोबारों की जानिब से हुकूमती इमदाद के लिए 42,000 से ज्यादा दरख्वास्तें। कैनेडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। मरीजों की मजमूई तादाद 7,47,383 तक जा पहुंची हैं। हलाकतें 19,094 हो गईं। पाकिस्तानी अमरीकन साइमा मोहसिन पहली मुस्लिम फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर। पहली अमरीकन मुस्लिम खातून हैं जो अगले माह ये मनसब संभालेंगी। 2002 से अटॉर्नी ऑफिस में काम कर रही हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 9,97,71,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। 21,38,965 अमवात हो चुकी हैं। 7,17,45,000 से ज्यादा मरीज सतयाब भी हुए हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपना ख्वाब हकीकत बना लिया। उन्होंने बिलाखिर अपनी कमाई से घर खरीद लिया है जिस पर वो बेहद खुश हैं। कहती हैं ये घर मेरा ख्वाब था और ये एक अच्छी सरमायाकारी भी है। शकीरा की म्यूजिक वीडियो 200 मिलियन मरतबा देख ली गई। म्यूजिक वीडियो की रिकॉर्ड मकबूलियत और पसंद किए जाने पर शकीरा ने खुशी का इजहार किया है। मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नर्म मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा में आपके पास डॉक्टर और लॉयर होना बहुत जरूरी है। हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा नाम जो है रिलायबल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट। लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। फॉर फैमिली लॉ, रियल एस्टेट, विल्स और किसी भी तरह के एफिडेविट या पैरा लीगल प्रॉब्लम्स के लिए लॉ फर्म ऑफ शिखा शारदा, 905-956-6699। पहली कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है। कॉल लॉयर शिखा शारदा, 905-956। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीका के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। ट्रूडो ने गुज़िश्ता दिनों खुलेआम बाइडन की जानिब से की स्टोन ऑयल पाइपलाइन मंसूबे को मंसूख करने के ऐलान पर मायूसी का इजहार किया था। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो और अमरीका के सदर के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। ट्रूडो ने गुज़िश्ता दिनों खुलेआम बाइडन की जानिब से की स्टोन ऑयल पाइपलाइन मंसूबे को मंसूख करने के ऐलान पर मायूसी का इजहार किया था। इस मुतनाज़े मंसूबे के तहत कनाडा के सूबे अल्बर्टा से अमरीकी रियासत टेक्सास तक रोजाना 8,00,000 बैरल तेल की सप्लाई होना थी। व्हाइट हाउस की जानिब से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक बाइडन ने दौरान गुफ्तगू ट्रूडो को बताया कि उन्हें उनकी मायूसी का इदराक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रूडो से गुफ्तगू में बाइडन ने बताया कि इस मंसूबे को मनसूख करके उन्होंने अपना इंतखाबी वादा पूरा किया। बाइडन से गुफ्तगू से कबल ट्रूडो ने मीडिया को बताया कि इस मंसूबे से मुतालिक अमरीकी इंतजामिया के साथ इख्तलाफात को वो अमरीका के साथ ताल्लुक की खराबी की वजह नहीं बनने देंगे। उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता कि आपकी अमेरिका के साथ हम आहंगी हर वक्त बरकरार रहे। ताहम वो बाइडन के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। कैनेडियन हुकूमत के एक और अहलकार ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी रियासत मिशिगन में फाइजर के कारखाने से कनाडा को कोरोना वैक्सीन की फराहमी के इम्कानात का भी जायजा लिया। ख्याल रहे कि कनाडा को बेल्जियम में फाइजर के यूनिट से वैक्सीन की खुराकें भिजवाई जाती हैं। ताहम फाइजर हुकाम ने कनाडा को आगाह किया है कि वो आइंदा हफ्ते वैक्सीन की खुराकें सप्लाई नहीं कर सकेगा बल्कि आइंदा 3 हफ्ते के दौरान मतलूबा तादाद से 50% कम खुराकें ही मुहैया कर सकेगा। 7 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में हिफाजती इकदामात के साथ तलबा स्कूलों में वापस आ रहे हैं। ओंटेरियो के वजीर तालीम स्टीफन लीची की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस वबाई मर्ज में हमारी तरजीह तलबा और अमले को महफूज रखना है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ओंटेरियो में 1,00,000 के करीब तलबा स्कूलों में वापस आ रहे हैं जबकि हुक्काम का कहना है कि स्कूलों की हिफाजत
हुकूमत की पहली तरजीह है। 7 पब्लिक हेल्थ यूनिट्स में हिफाजती इकदामात के साथ तलबा स्कूल में वापस आ रहे हैं। सूबे के वजीर तालीम स्टीफन लीचे की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इस वबाई मर्ज में हमारी तरजीह तलबा और अमले को महफूज रखना है। ऑन्टेरियो में कैनेडा का स्कूल सेफ्टी का सबसे ज्यादा जामे और सबसे ज्यादा माली तआवुन का मनसूबा है, जिसमें असातिज़ा और अमले की खिदमात हासिल करने में सबसे बड़ा इजाफा, एक बेहतर स्क्रीनिंग और मास्किंग पॉलिसी और वेंटिलेशन में बेहतरी में सबसे ज्यादा सरमायाकारी शामिल है। क्लास में वापसी से कबल हुकूमत सूबे भर में हदफ बनाए गए असिप्टोमेटिक टेस्ट, ज्यादा जामे स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल और ग्रेड्स ए से 3 और बाहर के तलबा के लिए मास्क लाजमी होगा, जहां जिस्मानी फासला बरकरार नहीं रखा जा सकता। इन नए हिफाजती दस्तों को तिबी रहनुमाओं और कैनेडा में दस्तियाब बेहतरीन सबूतों के जरिए आगाह किया है। वजीर तालीम का मजीद कहना था कि मैं तआवुन और मेहनत के लिए तमाम वालदैन, तुलबा, बच्चों की देखभाल और तालीम के कारकुनों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ऑन्टेरियो बाशिंदों को सेहत और हिफाजत की रहनुमाई पर अमल करने की तरकीब दूंगा, ताकि हम कम्यूनिटी ट्रांसमिशन को कम कर सकें और ऑन्टेरियो के तमाम स्कूल खोलें और अपने बच्चों को क्लास में वापस ला सकें। ऑन्टेरियो में छोटे कारोबारों की इमदाद के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने ऑन्टेरियो स्मॉल बिजनेस सपोर्ट ग्रांट के लिए 42,000 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल की। इस हवाले से मजीद जानते हैं। ऑन्टेरियो में मुसलसल 7वें रोज कोरोना वायरस के 3,000 से कम केसेस रिपोर्ट हुए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान टोरंटो में 785, पील रीजन में 410 और यॉर्क रीजन में 215 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वफाकी हुकूमत ग्रेटर टोरंटो एरिया में मुआवनत के लिए 2 मोबाइल हेल्थ यूनिट भेजेगी। ट्रूडो ने न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, रवामा कोविड-19 के केसेस में इजाफे ने अस्पतालों पर एक हकीकी दबाव डाला है, खास तौर पर ऑन्टेरियो के लिए सूरत हाल इंतहाई संगीन है। ट्रूडो ने कहा कि ये यूनिट 200 तक इजाफी अस्पताल के बिस्तरों के साथ साथ तिबी सामान और सप्लाई फराहम करेंगे, जो खत्ते के इंतहाई निगहदाश के यूनिट्स में दबाव को कम करेंगे। एक न्यूज रिलीज में वफाकी हुकूमत ने कहा कि मोबाइल यूनिट इमदाद की सूबाई दरख्वास्त के बाद तायुनात किए जा रहे हैं और उनकी तवक्को है कि वो जितना जल्दी मुमकिन हो GTA में शामिल हो। वो ऑन्टेरियो में इस वक्त कोरोना वायरस की सूरत हाल के मुताबिक 1 मई तक सूबाई हुकूमत को दस्तयाब रहेंगे। ऐलामिये में मजीद कहा गया है कि मोबाइल यूनिट्स के अमले की जिम्मेदारी सूबे पर आयद होगी। दूसरी जानिब ऑन्टेरियो में छोटे कारोबारों की इमदाद के लिए बड़े पैमाने पर दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने ऑन्टेरियो स्मॉल बिजनेस सपोर्ट ग्रांट के लिए 42,000 से ज्यादा दरख्वास्तें वसूल की। जिन कारोबारी इदारों को मंजूरी दे दी गई है, वो 10 कारोबारी दिनों में अदायगी हासिल करने की तवक्को कर सकते हैं। सूबे भर में शटडाउन के दौरान तमाम अहल छोटे कारोबारों को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत की जानिब से इन कारोबारों में $10,000 से $20,000 तक की इमदाद दी जा सकती है। कोरोना वायरस की फौरी शनाख्त और तशखीस के लिए कैनेडा में मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली डिवाइस को सरकारी तौर पर मंजूर कर लिया गया है। डिवाइस को लाइसेंसिंग के बाद तैयार और इसकी मार्केटिंग के लिए लायअमल तैयार किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमू तादाद 7,47,383 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 19,094 हो गई, जबकि 6,64,621 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमू केसेज की तादाद 2,27,215 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 9,478 तक पहुँच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 2,25,046 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 5,803 है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में 1,09,733 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,550 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में 63,484 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 1,128 है। कोरोना वायरस की फौरी शनाख्त और तशखीस के लिए कैनेडा में मुकामी तौर पर तैयार की जाने वाली डिवाइस को सरकारी तौर पर मंजूर कर दिया गया है। डिवाइस को लाइसेंसिंग के बाद तैयार और इसकी मार्केटिंग के लिए लाइहा अमल तैयार किया जा रहा है। इस बात का ऐलान डिवाइस के खालिक इदारे स्पार्टन बायोसाइंस ने ऑटोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। इदारे का कहना है कि डिवाइस मुकम्मल तौर पर मुकामी साइंसदानों का कारनामा है, जिसे जल्द ही मुल्क के तूलो अर्ज में मार्केट किया जाएगा। इस डिवाइस से कोरोना वायरस की फौरी शनाख्त और तशखीस मुमकिन हो सकेगी। सैमा मोहसिन को रियासत मिशिगन के शहर डेट्रॉइट में फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है। वो पहली अमेरिकन मुस्लिम खातून हैं जो अगले माह ये मनसब संभालेगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
पाकिस्तानी अमेरिकन साइमा मोहसिन को अमेरिका में पहली मुस्लिम फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया गया। मीडिया के मुताबिक साइमा मोहसिन को रियासत मिशिगन के शहर डिट्रॉइट में फेडरल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर किया गया है और वो पहली अमेरिकन मुस्लिम खातून हैं जो अगले माह ये मनसब संभालेंगी। 52 साला साइमा मोहसिन कायम मकाम अमेरिकन अटॉर्नी बराए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट का मनसब मौजूदा अहदेदार मिथिव शनाइडर की मुद्दत खत्म होने पर 2 फरवरी को संभालेंगी। मिथिव ने डोनाल्ड ट्रंप के अहदे सदारत छोड़ते ही इस्तीफा दे दिया था और वो 1 फरवरी को बाजाबता तौर पर रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद अटॉर्नी की निश्चित साइमा मोहसिन संभालेंगी। वो 2002 से अटॉर्नी ऑफिस में काम कर रही हैं। साइमा मोहसिन ने अपनी तकरीरी को इज्जत अफजाई करार देते हुए कहा कि वो अमरीका में कानून की अमलदारी यकीनी बनाने के मिशन को माजी की तरह दयानतदारी के साथ जारी रखेंगी। नीदरलैंड में कोरोना की वबा खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। लॉकडाउन और कर्फ्यू नामंजूर करते हुए हजारों अफराद दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में सड़कों पर निकल आए हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। आलमी वबा कोरोना वायरस के सबब दुनिया में 9,97,71,000 से ज्यादा अफराद मुतासर, 21,38,965 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 7,17,45,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,58,86,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे ज्यादा खौफनाक है, जहां 4,29,490 अमवात हो चुकी हैं और 2,57,02,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,53,503 और 1,66,08,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। रूस में 37,19,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं और अमवात की मजमू तादाद 69,462 है। बरतानिया में 36,47,000 से ज्यादा अफराद मुतासर हैं और 97,939 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 30,53,000 से ज्यादा अफराद मुतासर और 73,049 जान की बाजी हार चुके हैं। तुर्की में कोरोना वायरस से अमवात 25,073 तक जा पहुंची हैं, जबकि कोरोना वायरस के केसेस 24,29,605 हो चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 37वें नंबर पर है, जहाँ कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 6,352 रिपोर्ट हुई है, जबकि मुमलिकत में इसके मरीजों की तादाद 3,66,371 तक जा पहुंची है। नीदरलैंड में कोरोना की वबा खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई। लॉकडाउन और कर्फ्यू नामंजूर करते हुए हजारों अफराद दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में सड़कों पर निकल आए और जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी, दुकानों में भी तोड़फोड़ की। नीदरलैंड में कोरोना से 13,540 अफराद हलाक हो चुके हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपना ख्वाब हकीकत बना लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में मुंबई के पोश इलाके बांद्रा में पुरतैश अपार्टमेंट खरीद लिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने अपना ख्वाब हकीकत बना लिया। उन्होंने बिलाखिर अपनी कमाई से घर खरीद लिया है, जिस पर वो बेहद खुश हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने हाल ही में मुंबई के पोश इलाके बांद्रा में पुरतायुश अपार्टमेंट खरीदा है। सोनाक्षी सिन्हा ने इस घर को खरीदने के हवाले से बताया कि जब से मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं 30 साल की उम्र तक अपनी मेहनत से कमाए गए पैसों से अपना घर बनाऊं। अब मैं 30 साल से ज़ायद की हो चुकी हूं, लेकिन बिलाखिर मैंने अपनी कमाई से घर खरीद ही लिया है। अदाकारा का कहना है कि मैं अपने घर वालों के साथ रहने में ज्यादा खुश रहती हूं, इसलिए मेरा फिलहाल अपने जाती घर में मुंतकिल होने का कोई इरादा नहीं है। ये घर मेरा ख्वाब था और ये एक अच्छी सरमायाकारी भी है। सोनाक्षी सिन्हा फिलहाल अपने वालिद शत्रुघ्न सिन्हा और वालदा पूनम सिन्हा के साथ जोहू में एक पुरतायुश बंगले में रहती हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता चंद माह में मुतअद्दिद बॉलीवुड अदाकारों ने प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, जिनमें ऋतिक रोशन, जाह्नवी कपूर और आलिया भट्ट शामिल हैं। कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाली गुलूकारा और अदाकारा शकीरा के गाने की वीडियो ने अब तक इंटरनेट पर धूम मचा रखी है, जिस पर उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कोलंबिया से ताल्लुक रखने वाली गुलूकारा और अदाकारा शकीरा के गाने की वीडियो ने अब तक इंटरनेट पर धूम मचा रखी है, जिस पर उन्होंने बहुत खुशी का इजहार किया है। शकीरा की नई म्यूजिक वीडियो गर्ल लाइक मी, जो कि गुज़िश्ता साल 4 दिसंबर को रिलीज हुई थी, इसे यूट्यूब पर अब तक 200 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है। म्यूजिक वीडियो की रिकॉर्ड मकबूलियत और पसंद किए जाने पर शकीरा ने खुशी का इजहार करते हुए मद्दाहों से इजहार तशक्कुर किया। इससे कबल 4 दिसंबर को शकीरा ने म्यूजिक वीडियो के हवाले से तफसीलात के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी। इंस्टाग्राम अकाउंट पर शकीरा की खुशी में उनके मद्दाह भी शामिल हो गए और एक मरतबा फिर उनकी शेयर की गई वीडियो को लाखों लोगों ने देखा और हजारों लोगों ने कमेंट्स सेक्शन में मुबारकबाद भी दी।
टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो में फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब।